रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदिशे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पते नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, कल के कथा प्रसंग से आज आंगिक की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं, आप लोग ध्यान लगा करके सुनेंगे। नारायण से कहने लगे, नारद जी ने नारायण से कहा, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा, यह मैं जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, हे निष्पाप नारद, जो हरि का हो जाता है परमात्मा उसे अपना लेते हैं। सुनो हे मुनिश्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर के गरुण मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे, तब मलमास उठ करके पुनः खड़ा हो गया। हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, इस शरणागत को त्यागते हुए आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप इसकी रक्षा करो। इस प्रकार बारंबार कांपते हुए मलमास को भगवान ने कहा, हे पुत्र, हे पुरुषोत्तम, मुझको तेरा दुख देखा नहीं जाता। तू सोच मत कर, उन योनियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणी के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ वाले श्याम कमल वाले सदृश नयन वाले भगवान कृष्ण निवास किया करते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को जरूर दूर करेंगे, चलो हम लोग वहां चलते हैं। श्री नारायण के ऐसा कहने पर हरि का, भगवान का, गोविंद का ध्यान करते हुए मलमास हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। नारद जी बोले कि हे पाप रहित भगवान विष्णु, गोलोक में जाकर के क्या किया वह भी आप मुझे बताइए। श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, श्री विष्णु भगवान जल अधिक मास सहित गोलोक में गए, अर्थात भगवान जल को साथ में लेकर के अधिक मास सहित गोलोक में जब पधारे तो वहाँ क्या हुआ, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भक्तों, यही कथा कि गोलोक में क्या हुआ, इस कथा को हम आपको अगले प्रसंग में सुनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।